सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। आज की दोस्तों इस वीडियो पे हम डिस्कस करने वाले हैं बाइनेंस के न्यू लिस्टिंग कॉइन के बारे में, मतलब कैसे आप प्रॉफिट कर सकते हैं। बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आप बाइनेंस के न्यू लिस्टिंग न्यू जो भी कॉइन लिस्टेड होते हैं उसके थ्रू आप प्रॉफिट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी है। वीडियो शुरू करने पर दोस्तों दो बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तभी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। बहुत कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वीडियो को पूरा नहीं देखते, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि वीडियो में ये गलत थे वो गलत थे। तो पहले वीडियो को आप पूरा देखो ताकि आपको समझ में आ सके। अगर मार्केट में आपको पैसे कमाने हैं तो आपको समय देनी होगी। अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, अपने अमाउंट को डबल ट्रिपल करना चाहते हो, इतना भी आप टाइम नहीं देना चाहते, तो बिल्कुल आपको वीडियो को देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको क्रिप्टो मार्केट में बिल्कुल भी आने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल आप जो कर रहे हो वही करें। लेकिन अगर आप मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो को अच्छे से देखिए। किसी के वीडियो को आप देखते हैं तो पूरे अच्छे से देखिए ताकि आपको नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज हो सके वो आपको मिल सके। तो बाइनेंस के दोस्तों न्यू लिस्टिंग कॉइन से अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हैं तो वीडियो को इम्पोर्टेंट पूरा देखना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे फैक्ट्स जिसके लिए जिसको दोस्तों आप देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किसी और की वीडियो आपको देखने की। और दोस्तों ये भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद डिसीजन ले पाओगे कि प्रोजेक्ट में कितना दम है और आपको इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं, कितना रिस्क है, ये दोस्तों खुद आप यहाँ पे कैलकुलेट कर पाओगे। वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसे आपको लास्ट तक देखना है। और हमारे यूट्यूब चैनल दोस्तों पहली बार है, हमें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जहाँ दोस्तों आपको सारा नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो के टॉपिक पर। तो पहली दोस्तों हमारी वीडियो की टॉपिक है कि आपको बाइनेंस की जो भी दोस्तों न्यू कॉइन लिस्टेड होती है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी। तो पर इसके पहले मैं आपको बता दूं तो दोस्तों यहां पर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं, सिंपल इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहां पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का बहुत सारे जो भी इन्फॉर्मेशन आते हैं वो सारे आपको शो करेंगे। अब दोस्तों आपको यहां पर अनाउंसमेंट में चली जानी है। अनाउंसमेंट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं न्यू क्रिप्टो लिस्टिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, सिंपल आपको इसमें क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, जो भी बाइनेंस के, चाहे आपको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में जो भी लिस्टिंग वगैरह आती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जैसा कि आप सभी को पता है आज बाइनेंस में वीफी, यहाँ पे वीफी जो कॉइन है, एक टोकन है, वो दोस्तों यहाँ पर लिस्टेड हुई है। इसके बाद इसके थोड़े से अगर बैक के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एलिस कॉइन लिस्टेड हुई थी, उसकी भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिगो फाइनेंस यहाँ पर लिस्टेड हुई थी, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप सबसे पहले यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्सिंग माई नेवर एलिस कॉइन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। बाइनेंस भी लिस्ट डिगो फाइनेंस को इसने लिस्ट किया है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं आज की जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, बाइनेंस भी लिस्ट बीफी, तो बीफी पे दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इस तरह से आप चाहें तो आप बाइनेंस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले सकते हैं कि बाइनेंस का जो भी न्यू कॉइन की इन्फॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता चल जाता है। दूसरे दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर दोस्तों बराबर मैं अपडेट देता रहता हूँ। जैसे ही बाइनेंस कोई न्यू कॉइन लिस्टेड करती है तो यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया था, तो इस इन्फॉर्मेशन यहाँ के थ्रू भी दोस्तों हमारे टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भी आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। दूसरे दोस्तों आप ये कैसे जानेंगे कि बाइनेंस जो भी कॉइन लिस्ट कर रही है उसकी दोस्तों क्या फ्यूचर है, वो कितना गुना जा सकती है, वाकई इस प्रोजेक्ट में दम है या नहीं। ऐसे बोले तो अगर कि जो भी दोस्तों कॉइन यहाँ पे लिस्टेड होगी उसकी प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में जानेंगे दोस्तों कि कैसे आप उस प्राइस प्रेडिक्शन कर सकते हैं, कितना गुना वो जा सकती है। तो सिंपल दोस्तों जब आप इस लिस्ट को ओपन करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइनेंस विल लिस्ट, इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा आपके चाहे टेलीग्राम पे हो या फिर दोस्तों यहाँ पे जो बाइनेंस की एप्लीकेशन है वहाँ पे, जब आप इसे ओपन करेंगे तो बाइनेंस यहाँ पे जो भी कॉइन लिस्ट करेगा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे दे देती है। तो दोस्तों ये जैसे कि बीफी को आप देख सकते हैं, तो बीफी को सबसे पहले वो ये बताएगा कि आप कौन सा प्रोजेक्ट पर यह काम करती है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दी हुई देख सकते हैं, bfi.finance इज अ वाइल्ड फार्मिंग ऑप्टिमाइजर ऑन बाइनेंस स्मार्ट चेन। तो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर वर्क करने वाली ये सिस्टम है। अब आपको पता है BSC में जो भी सिस्टम आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप बना रही है, काफ़ी ऊंची जाती है। चलिए आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू दोस्तों आप यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं कि ये जो कॉइन लिस्टिंग होगी वो कितने टाइम तक जा सकती है, कितना गुना यहाँ पे जा सकती है। एक और तरीका है जिसके थ्रू आप मालूम कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट में कितनी दम है, कितना दोस्तों ये आगे जा सकती है। तो इसके लिए दोस्तों आपको आ जाना है कॉइन मार्केट कैप पे। यहाँ पे दोस्तों सर्च करनी है जो भी कॉइन दोस्तों वहाँ पर बाइनेंस ने बताया है उसे दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करनी है। तो आज के कॉइन के थ्रू हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट में कितनी दम है, कितनी आगे जानी है। तो सिंपल दोस्तों बीफी पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, बीफी को आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों इसकी करंट प्राइस यहाँ पे बताई जाएगी। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए इसकी लो है $1191,
जब दोस्तों मैंने आपको इसकी डिटेल्स मैंने आपको दी थी, मतलब जब मैंने ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे दिया था, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया, उस समय दोस्तों इसकी प्राइस चल रही थी $1200। ठीक 5 मिनट के अंदर में इसकी प्राइस दोस्तों $2400 हो गई, जबकि दोस्तों ये कॉइन अभी बाइनेंस में लिस्टेड उस समय नहीं हुई थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि जैसे ही बाइनेंस नोटिफिकेशन देता है, अगर उसी टाइम आप बाय करते हैं दूसरे एक्सचेंज के थ्रू, तो दोस्तों आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि मैं आगे आपको बताऊँगा। अब ये जानने के लिए कि जो भी बाइनेंस कॉइन लिस्ट कर रही है वो कितना आगे जा सकती है, कितनी पोटेंशियल है, कितनी दम है, उसके लिए दोस्तों हम इसके डिटेल्स पे जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे इसकी टोटल सप्लाई के बारे में। टोटल सप्लाई दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले हम इसके टोटल सप्लाई को देखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम सो मोर के ऑप्शन पे आएंगे, इसके ठीक नीचे हम जब आएंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे इसकी सप्लाई के बारे में। मैक्सिमम सप्लाई, टोटल सप्लाई अगर बात करें तो सिर्फ 80,000 यहाँ पे ही सप्लाई है, जिसमें 72,000 ऑलरेडी सर्कुलेटिंग कर रही है। तब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर सप्लाई कम रही, अगर करोड़ों में भी सप्लाई होती है तो भी दोस्तों मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाइप बनता है। तो ऐसे में इसकी सिर्फ सप्लाई 80,000, तो जाहिर सी बात थी कि इसकी हाइप आपको बननी मिलेगी। और जैसे ही इसकी इन्फॉर्मेशन आई, वैसे ही दोस्तों ये प्राइस बढ़ना इसकी शुरू हो गई। तो सप्लाई दोस्तों काफ़ी मायने रखती है। तो सबसे पहले आपको देखना है सप्लाई के बारे में, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखनी है इसके कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं, आपको पता होगा कि जब बाइनेंस उसी कॉइन को लिस्टेड करती है जिसमें कि जिसकी दोस्तों कम्युनिटी ज़्यादा होती है, तो ऐसे में दोस्तों आपको सबसे पहले इसकी कम्युनिटी देखनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिटी से काफ़ी ज़्यादा हाइप बनती है। तो इसकी कम्युनिटी के बारे में बात करें तो सिंपल दोस्तों लिंक्स के यहाँ पर आपको उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके दोस्तों ट्विटर पर आपको यहाँ पर चले जाने हैं। ट्विटर पर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 60,000 फॉलोवर्स इसमें दिख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि काफ़ी अच्छी कम्युनिटी है, तो मैक्सिमम चांस बनेगी कि इसकी प्राइस आपको हाइप देखने की। तो सर्कुलेटिंग सप्लाई, कम्युनिटी देखने के बाद थोड़ा सा वो नीचे आनी है आपको। इसके बाद देखने की ये कौन कौन सा एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अगर दोस्तों कॉइन ज़्यादा उसके प्रोजेक्ट में दम होती तो बहुत सारे दोस्तों हो सकता है कि वो एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, या फिर दोस्तों अगर कोई टोकन होती है तो वो ज़्यादा एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती है। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि ये कौन कौन सा एक्सचेंज पे लिस्टेड है, जो भी एक्सचेंज पे लिस्टेड है वाकई में वो एक्सचेंज सही है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे पहले वो पेन कैप स्वैप पे भी लिस्टेड थी, जूल स्वैप पे भी लिस्टेड थी, ओकेन ओसियन में भी लिस्टेड थी। तो यहाँ के दोस्तों अगर इन सब चीज़ एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो भी दोस्तों चांसेस है कि उसकी प्राइस की ज़्यादा हाइप यहाँ पर बन सके। तो बात करें दोस्तों तो दो तीन चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया सर्कुलेटिंग सप्लाई के बारे में, कम्युनिटी के बारे में, और दोस्तों इसके प्रोजेक्ट के बारे में कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट वर्क करती है। तो प्रोजेक्ट वर्क कैसे वर्क करती है ये दोस्तों टोटल बाइनेंस अपनी इस नोटिफिकेशन में आपको बता देता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ देख लेनी है कि कितने पेयर्स में अवेलेबल है। ऐसा भी देखा जाता है कि जितनी ज़्यादा पेयर्स में अवेलेबल है, जैसे कि बिटकॉइन में भी अवेलेबल, BTC पेयर्स में भी अवेलेबल है, USDT पेयर्स में भी अवेलेबल है, BUSD में भी अवेलेबल है, BNB में अवेलेबल है, तो अगर ज़्यादा पेयर्स में अवेलेबल होती है तो भी दोस्तों ज़्यादा हाइप बनती है। तो ये भी आपको यहाँ पर देख लेनी है। तो इस तरह से दोस्तों आप मालूम कर सकते हैं कि किस प्रोजेक्ट में कितनी दम है और वो दोस्तों कितनी आगे जा सकती है। तो ये दोस्तों आपको खुद एनालाइज अगर आप खुद एनालाइज कर लेते तो अच्छी है, वरना दोस्तों जो भी दोस्तों न्यू कॉइन की लिस्टिंग होती है उसकी इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैं अपने YouTube में बताऊंगा, और दोस्तों जो भी दोस्तों उसके प्रोजेक्ट के बारे में होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने YouTube के माध्यम से आपको दे दूंगा। एक और इन्फॉर्मेशन दोस्तों, बहुत सारे लोग यहाँ पे थोड़ी सी मतलब पैनिक हो जाते हैं, थोड़ा समझ नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आप टाइम पहले देखें, जैसा कि 16/3/2021 9 बजे दोस्तों इसकी लिस्टिंग टाइम थी, लेकिन 9 बजे के बाद आपको एक चीज़ देखनी है UTC। और दोस्तों हमारे हिसाब से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से UTC का टाइम थोड़ा पीछे होता है, मतलब दोस्तों जब भी ऐसी टाइमिंग आएगी इस तरह से टाइमिंग आएगी तो आपको उसको 5.5 घंटा ऐड करके आपको इसमें जाना है। मतलब समझिए कि 9 बजे अगर यहाँ पर बताई जा रही कि 9 बजे UTC टाइम के हिसाब से ये कॉइन लिस्टेड होगी, तो उसमें 5.5 घंटा ऐड करना है, मतलब होते हैं 2:30, तो 2:30 बजे दोस्तों ये कॉइन लिस्टेड होगी। जैसा कि आपको पता होगा कि BF कॉइन की लिस्टिंग 2:30 बजे हो गई थी, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। UTC में यहाँ पर टाइम दिया जाता है, तो आपको 5.5 घंटा इंडियन टाइम के हिसाब से आपको यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। फिर से बता दूं दोस्तों कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर मैं आपको बात करने वाला हूँ, जहाँ दोस्तों आप खुद डिसीजन ले सकें कि कितने कॉइन की प्राइस होनी चाहिए, कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आपको लास्ट तक ही यहाँ पे देखना है। अब दोस्तों तीसरी यहाँ पर क्वेश्चन आती है कि हाउ कैन यू टेक बिग प्रॉफिट, आप यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब बाइनेंस जब भी दोस्तों यहाँ पे बीफी जब यहाँ पे नोटिफिकेशन मिली कि बीफी को यहाँ पे लिस्ट करने वाले हैं बाइनेंस पे, तो इसकी प्राइस मैंने देखा था $1200, लेकिन तुरंत दोस्तों करीब आपके 5 से 10 मिनट के अंदर में, ज़्यादा नहीं 5 से 10 मिनट के अंदर में, इसकी प्राइस हमें 2100 तक देखने को मिली। मतलब तुरंत दोस्तों ये लगभग से लगभग डबल हो चुकी थी। तो ऐसे में दोस्तों अब आपको क्या करना है, सिंपल दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है। आपको पहले जो भी कॉइन की आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि लिस्ट होने वाली है, इसको दोस्तों कॉइन मार्केट कैप में आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद दोस्तों सीधा थोड़ा सा आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको ये देखना है कि कौन से एक्सचेंज में ये ऑलरेडी लिस्टेड है। अब यहाँ पर देख सकते हैं पेनकैप स्वैप में भी दोस्तों ऑलरेडी पहले से लिस्टेड थी, जूल स्वैप में पहले से लिस्टेड थी, ओपन ओशियन में भी दोस्तों पहले से लिस्टेड थी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले बाय कर लेना है। जी पहले आपको यहाँ पर बाय कर लेना है। बाय कैसे करनी, तो ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू ये बाय होती है। अगर आपको नहीं पता कि बाय कैसे करनी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रिकवर करूँगा, और साथ में ये भी बताऊँगा कि कौन सा कॉइन हो सकता है कि बाइनेंस में लिस्टेड हो सके। तो वीडियो दोस्तों ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए दोस्तों कुछ चीज़ें मैं यहाँ अभी इस वीडियो पे ऐड नहीं करूँगा, अगले नेक्स्ट वीडियो पे ऐड करूँगा। तो फिर आप फिलहाल आप ये देख लें कि पेनकैक स्वैप, जूल स्वैप, इस तरह से आपको पहले ये देख लेना कि कितने सारे एक्सचेंज में दोस्तों ये ऑलरेडी लिस्टेड है। जैसे ही आपको पता चलता है कि इन सब एक्सचेंज पर आपको लिस्टेड है, फटाक करके दोस्तों आपको वहाँ पर फंड ऐड करनी है, और दोस्तों वहाँ से पहले आपको बाई करके रख लेनी है। जब आप इसे बाई करके रख लेंगे, तो चाहे तो आप वहाँ भी इसे सेल कर सकते हैं, क्योंकि बाइनेंस काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है, और जब पंप प्राइस बढ़ती है, जब भी दोस्तों जो भी कॉइन का प्राइस पंप होता है, तो वह सभी एक्सचेंजों में पंप होना शुरू हो जाता है। जैसा कि अभी इसकी प्राइस देख सकते हैं $2813, तो अभी भी दोस्तों इसकी प्राइस लगभग ऐसा ही सभी में लगभग सेम चल रही है। ओपन ओशियन में देखा जाए तो वो ज़्यादा ही यहाँ पे चल रही है। तो इसी हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पर ट्रेड भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो दोस्तों आप इसे डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको बाइनेंस में डिपॉजिट में जाना है और वहाँ दोस्तों डिपॉजिट कर सकते हैं। जैसे कि जब भी ये कॉइन लिस्टेड होने वाली होती है, तो उसके 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर में दोस्तों आपकी डिपॉजिट विड्रॉल का ऑप्शन भी ओपन हो जाती है। तो आप चाहे तो बाइनेंस में डिपॉजिट करके आप वहाँ भी इसे सेल कर सकते हैं। इसे दोस्तों मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में रिकवर करूँगा। अब थोड़ा सा अगर एग्जांपल के लिए ले लें कि अगर आपने इसे $1200 में बाई कर लिया होता एक्सचेंज के थ्रू, और अगर आपने इसे अगर बाइनेंस में दोस्तों आपने इसे लिस्ट कर लिया होता, बाइनेंस में इसे डिपॉजिट कर लिया, तो करीब अगर बाइनेंस में इसकी प्राइस देखें हम यहाँ पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हाई दोस्तों बनाई है $6450 की दोस्तों लगभग यहाँ पर हाई बनाई है। तो सिंपल दोस्तों अगर आपने यहाँ पर डिपॉजिट कर लिया होता $1200 के साथ, तो लगभग आप 5 गुना यहाँ पर इनकम निकाल लोगे थे। हालांकि हो सकता है कि उतना टाइम तक आप वेट ना करें, फिर भी दोस्तों 2 गुना 3 गुना आराम से दोस्तों यहाँ पर आप लिस्टिंग के टाइम पर आप इजीली प्रॉफिट यहाँ पर कर लेते हैं। दूसरा दोस्तों प्रॉफिट करने का तरीका बताऊँ, तो आपने देखा होगा एलिस इससे पहले लिस्टेड की गई थी। एलिस में दोस्तों किसी तरह कोई भी दोस्तों एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि आप उसे आप किसी एक्सचेंज से बाय नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों एक जो टोकन थी वो किसी एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं थी। तो सिंपल दोस्तों अब आपको इसे बाइनेंस से ही बाय करना था। तो मोर में जाकर अगर 1 मिनट के चार्ट ओपन करेंगे आप यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे बीफी के ही एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहूँगा। तो आप देख सकते हैं 1272 से जैसे ही स्टार्ट हुई, एक मिनट के अंदर में $6450 का दोस्तों ये आंकड़ा छू गई। अगर किसी ने $6450 में या फिर $5000 में जिसने बाय कर लिया हो, वो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पे फंस चुके होंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर प्रॉफिट करने के दूसरा तरीका के बारे में बात करूँ, तो सिंपल दोस्तों बाय के इस ऑप्शन पर आना है, और दोस्तों ये प्रोसेसिंग आपको स्पीड में करनी है, क्योंकि किसी एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। जैसा कि आपने एलिस में देखा कि किसी भी एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, और ये दोस्तों एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिस्की होगी। सिंपल दोस्तों लिमिट की जगह आपको मार्केट पर क्लिक करना है, और आपको टाइम देखनी है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, फट करके आपको यहाँ पर बाय में क्लिक करना है। तो जैसे दोस्तों इंस्टेंट आप बाई पे क्लिक करेंगे, आपकी बाई हो जाएगी, और इंस्टेंट दोस्तों आपको सेल भी करना है, आपको वेट नहीं करना, क्योंकि आपने देखा सिर्फ 1 मिनट के अंदर में ये जो बीफी है ये आपको $1200 से $6400 गई सिर्फ 1 मिनट के अंदर में। तो आप समझ सकते हैं कितना दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग फास्ट होनी चाहिए। तो ये दोस्तों कुछ रिस्की भी है, लेकिन अगर आप एक्सचेंज के थ्रू यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा रिस्की नहीं है। तो ये दोस्तों आप कर सकते हैं कि अगर ऑलरेडी एक्सचेंज में लिस्टेड है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर किसी एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, तो आप इस तरह से यहाँ पर बाय कर सकते हैं, जो कि थोड़ा रिस्की है, लेकिन हो सकता है प्रॉफिटेबल आपके लिए ज़्यादा हो। तो इस तरह से चाहे तो आप यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते हैं। चौथी दोस्तों ऑप्शन के बारे में बात करूँगा कि यहाँ पर रिस्क क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी बाइनेंस में किसी दोस्तों दूसरे एक्सचेंज पर बाय करके आप यहाँ पर डिपॉजिट करते हो, तो मेरे हिसाब से दोस्तों उसमें ज़्यादा आपको रिस्क देखने को नहीं मिलेगी। प्रॉफिट आपको ज़्यादा हो सकती है, लेकिन रिस्क ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन अगर कोई टोकन यहाँ पर लिस्टेड हो रही है और किसी भी एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, तो मैक्सिमम चांस बनता है कि यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा आपका बढ़ जाए। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, किसी तरह का उधार के पैसे, किसी तरह के मतलब सूद ब्याज के पैसे आपको नहीं लगाने,
उसी अमाउंट को लगाना है जो दोस्तों आप अफोर्ड कर सकते हो लॉस करने की। जैसा कि आप दिवाली पे जुआ खेलते हो या फिर कुछ भी आप गैम्बलिंग वगैरह करते हो तो समझो ये एक तरह का गैम्बलिंग है, हालांकि इस नॉलेज बेस ही इसे माना जा सकता है। तो आपको उसी पैसे को यहाँ पे लगाना है जिससे दोस्तों लॉस करने पर आप अफोर्ड, जिससे दोस्तों अगर आप लॉस भी करते हो तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम इससे ना हो। दोस्तों अगर आप कम रिस्क पे काम करना चाहते हो, यहाँ दोस्तों मैं एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, अगर आप कम रिस्क पे काम करना चाहते हो तो वेट करनी है। जैसे ही दोस्तों अगर आपको लगता है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है तो आपको वेट करना, आपको बाय नहीं करनी है। एक मिनट दोस्तों अच्छे से ट्रेड को कंप्लीट हो जाने देना है। इसके बाद दोस्तों जब इसकी आधी प्राइस में आती है, मतलब आप देख सकते हैं $6,450 चल रही है, अब इसकी आधी प्राइस के बारे में बात करें तो लगभग 3200 का प्राइस, तो यहाँ से तो अगर 3200 का प्राइस में आते हैं तो आप इसे इंस्टेंट बाई करके इंस्टेंट चाहे तो आप 10-20% या 50% का प्रॉफिट में आप सेल कर सकते हैं। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3200 के रेंज पर आते हुए दोस्तों मैं एक आइकॉन के थ्रू यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 3200 में लगभग आते ही फिर दोस्तों ये मार्केट पर 4000 के लगभग दोस्तों टच करती है। तो इस तरह से दोस्तों चाहे तो आप कम रिस्क के साथ यहाँ पर काम कर सकते हैं। ये कम रिस्क से दोस्तों आपको उसी में यूज करनी है जो टोकन दोस्तों किसी भी एक्सचेंज पर लिस्टेड ना हो। हालांकि दोस्तों अगर कोई भी टोकन ऑलरेडी किसी दूसरे एक्सचेंज पर लिस्टेड है तो दोस्तों आप ऐसा ही कर सकते हैं कि आपको दूसरे एक्सचेंज से बाय करके आप उसे यहाँ पर डिपॉजिट करके सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरे एक्सचेंज या फिर दोस्तों इस तरह के जो भी दोस्तों ये एक्सचेंज होते हैं जो कि डैक्स एक्सचेंज होते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं, उससे दोस्तों ट्रस्ट वाले के थ्रू आप कैसे किसी टोकन को बाय कर पाएंगे वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे कवर करूंगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा नेक्स्ट जो टोकन है वो दोस्तों बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बाइनेंस में लिस्टेड हो सकता है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक आप वीडियो को दोस्तों आपको दोस्तों उस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ में आ सके, और इस वीडियो को भी दोस्तों आपको पूरा देखा होगा तभी दोस्तों आपको समझ में आ सके क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में यहाँ पर मैंने बात की है। तो हो सकता है दोस्तों वीडियो आपको कुछ लंबा बन गया हो लेकिन आपको पूरा देखा होगा तो आपको काफ़ी नॉलेज यहाँ पे मिली होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।